होशियारपुर के ग्रीन व्यू पार्क के समीप से डार्क फॉरेस्ट रेस्टोरेंट में अभिनेत्री पूनम चौधरी विशेष तौर से पहुंची। वह हिमाचल में किसी कार्यक्रम में भाग लेने आई हुई थी तथा वापसी पर वह होशियारपुर में एक एड का शूट करने पहुंची थी। इस दौरान डार्क फॉरेस्ट रेस्टोरेंट के ऑनर दुष्यंत ने परिवार व मित्रों सहित उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूनम चौधरी जैसी अभिनेत्री आज उनके रेस्टोरेंट में पधारी है, जो उनके लिए बहुत गर्व की बात है। इस मौके पर उन्होंने पूनम चौधरी का वहाँ पहुँचने के लिए धन्यवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। मैम, पहले तो आपका होशियारपुर आने के लिए बहुत बहुत वेलकम है, हम सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैम, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका यहाँ आज होशियारपुर का बना है तो किस पर्पज़ से आप, किस रिगार्डिंग मतलब यहाँ पे आई हैं, और डार्क फॉरेस्ट की तरफ से आपका जो ज़ोरदार स्वागत किया गया यहाँ आने पर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए, स्पेशली दुष्यंत सर और रेनू मैम को। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है तो आना ही था मुझे। तो शूटिंग के बारे में ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो अभी मैं एटलीस्ट 2 महीने से सिर्फ टूर पर ही हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ लगातार। तो पहले मुंबई शूट्स थे, उसके बाद मैं साउथ की कुछ मतलब 2 मूवीज़ मैंने साइन की हैं, उसके शूट चल रहे हैं। अभी एक का शेड्यूल ख़त्म हो गया है, सेकंड स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जाना है। उसके अलावा भी एक हिमाचल में पालमपुर में अवार्ड शो था, उसके लिए आई थी। और उसके बाद अभी यहाँ पर आज मैम ने मुझे इनवाइट किया था तो उसके लिए आई हूँ। इसके बाद मुझे गोवा जाना है, 2 वीडियो एल्बम शूट्स हैं, उसके बाद वापस केरला जाना है। आप जगह जगह तो घूमते रहते हैं, आपको आज यहाँ होशियारपुर आए, यहाँ का प्यार कैसा लगा आपको? ऑब्वियस है, पंजाबी माहौल है तो अच्छा ही लगेगा, पंजाबी तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने मेहमान नवाजी के लिए, और अच्छा ही लगा है, बहुत अच्छा लगा है। आपने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की है और अब तक कितनी मूवीज़ जो हैं आप कर चुकी हैं? ओके, देखिए जो फर्स्ट करियर की शुरुआत और गुरु के बारे में बताती हूँ, जो हमारे फर्स्ट गुरु होते हैं वो अपने पेरेंट्स ही होते हैं, राइट? सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं, उसके बाद हम टीचर्स के पास जाते हैं, स्कूल जो भी। तो मेरे फादर से ही मैं मोटिवेट हुई थी, मेरे फादर खुद 11 साल इंडस्ट्री में रहे हुए हैं एज अ राइटर और एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उनका कुछ कारणों की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा, तो मैंने उनका ड्रीम पूरा करने के लिए कंटिन्यू किया। और मैं थिएटर आर्टिस्ट थी बेसिकली, मेरी हिमाचल में अपनी अकेडमी भी है, डांस और म्यूज़िक अकेडमी, मतलब ऑल ओवर आर्ट अकेडमी, फाइन आर्ट है उसमें, स्केटिंग जिमनास्ट सब कुछ था। तो थिएटर क्लासेस से मैंने स्टार्ट किया था, थिएटर प्लेस किए हैं मैंने बहुत सारे, वहीं से मुझे ऑडिशंस, जैसे कोई भी मुंबई से ऑडिशंस के लिए आता था तो मैंने वो ऑडिशंस देने शुरू किए। तो उसमें मेरा हुआ लाइक सावधान इंडिया एंड क्राइम स्टोरीज, और इसी से सबकी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? स्ट्रगल अभी मुझे 2 साल हुए हैं इस इंडस्ट्री में अभी एंटर किए, स्ट्रगल बहुत है बट लक अच्छा था तो थोड़ा जल्दी काम मिलना स्टार्ट हो गया, लाइक ऑडिशंस दिए तो क्लियर हो गए साथ के साथ, क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से थी तो इस वजह से जल्दी काम मिलना स्टार्ट हो गया। तो मैम, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आजकल युवा पीढ़ी है वो इस लाइन में अपना करियर, अपना फ्यूचर देख रही है? बहुत अच्छा है और जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि लाइक सेफ नहीं होगी, कुछ होगा, गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है, पेरेंट्स भी रोकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर आप ठीक हो तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आप ही ठीक नहीं हो तो फिर आपके लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है, है ना? तो जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और आप एक बार ही ट्राई कीजिए, अगर आपका ड्रीम है तो ट्राई करने के बाद अगर हारते हो तो अलग बात है, बट ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो मैम, आप जैसे मूवीज़ वगैरह बनाते हो तो लिखने का भी आप शौक रखते हैं? नहीं, मैं लिखने का शौक़ नहीं रखती हूँ, बट मेरे पापा की जो जितनी भी लिखी हुई मटेरियल है मैं उसको ठिकाने लगाने वाली हूँ जल्दी, मतलब वीडियो एल्बम्स है और कुछ निकालने वाले हैं हम लोग अपने ही कुछ प्रोजेक्ट्स, तो उस पर वर्क कर रहे हैं अभी। सावधान इंडिया क्राइम स्टोरी सिर्फ मैंने अपने फैमिली के लिए किया था कि वो लोग मुझे जल्दी वापस घर ना बुलाएं कि मैं टीवी पे आ रही हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जो किया है दिल से दिल तक, इश्कबाज, तू सूरज मैं सांझ, पिया जी, और जो मेरा कंटिन्यू 6 मंथ चला है वो है मनमोहिनी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्विच किया है मूवीज़ की साइड, तो मैंने अभी अप्रैल में एक रिलीज़ हो रही है कबाड़ में कॉइन,
जिनकी मांझी मूवी है, जिन डायरेक्टर की, उन्हीं की ये मूवी आ रही है और इसमें नशरुद्दीन शाह जी के बेटे हैं एज अ लीड। और इसके अलावा अभी मैंने दो साउथ मूवीज साइन की हैं जो तीन लैंग्वेज में, तमिल, मलयालम एंड हिंदी। तो अभी वो मैं दो मूवीज़ कर रही हूँ, एक का शूट हो चुका है, एक के लिए मैं अभी जा रही हूँ और दो सॉन्ग्स और आ रहे हैं वीडियो एल्बम, जिसके लिए अभी मैं गोवा जा रही हूँ दो शूट के लिए। थैंक यू सो मच। पूनम चौधरी जी मैडम का हम दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए और इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे साथ एज ए फैमिली फील करने के लिए। और बॉन्ड का बिहेवियर बिल्कुल भी स्टार जैसा नहीं है, बिल्कुल वो एज ए फैमिली फील कराया उन्होंने। मॉर्निंग से वो हमारे साथ हैं, 10 बजे से पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा फील कराया कि जैसे वो हमारे फैमिली गेस्ट हैं। ये बहुत कम स्टार्स में देखा जाता है। और कल उनका एक टीवी एड का शूट है, होशियारपुर में ही होना है कल, तो वो यहाँ स्टे करेंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, काफ़ी प्राउड मोमेंट हमारे लिए कि एक स्टार हमारे एक छोटे से रेस्टोरेंट पर आई है। ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए ना बड़े प्राउड वाली बात है कि हमें मतलब ऐसा मौका मिला कि एक उभरते हुए स्टार को आज हम अपने रेस्टोरेंट पे देख रहे हैं और वो फ्यूचर की एक बहुत बड़ी स्टार एक दिन बन जाएंगी, तो ज़रूर हम याद करेंगे उनको और वो भी हमें याद करेंगे कि हम एक दिन यहाँ आए थे। इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स मीडिया, थैंक्स। द स्टैंडर्ड न्यूज़ के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ मुक्ता वालिया की विशेष रिपोर्ट।